हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धातु रोग की दवा के बारे में। तो जिन लोगों को धातु रोग की प्रॉब्लम है, जिसको हम नाइट फॉल बोलते हैं, सपन दोष बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम है, उसके लिए इस वीडियो में मैं एक मेडिसिन बताने वाला हूँ, जो कि एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, बहुत ही ज्यादा लाभकारक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो आयुर्वेदिक है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों, उस मेडिसिन का नाम है धातु पौष्टिक चूर्ण। दोस्तों, जो धातु पौष्टिक चूर्ण है, बहुत ही ज्यादा फेमस है और ये धातु रोग के लिए यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में हम आगे जानेंगे इसके पूरे फायदे के बारे में और कौन कौन सी बीमारी में हम दे सकते हैं, डोज कितना लेना है, कितने रुपए का आएगा, कहाँ पर मिलेगा, सेफ है कि नहीं है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों, अगर बात करें धातु पौष्टिक चूर्ण के बारे में, तो यह एक चूर्ण है जो कि धातु रोग के लिए यूज किया जाता है। और जो ये धातु पौष्टिक चूर्ण है, ये अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाया जाता है। कंटेंट सेम रहेगा, बट कंपनी अलग अलग रहेगी। आपको डावर कंपनी की मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा है, ओरिजिनल है। उसके अलावा आपको बैजनाथ का मिल जाएगा, बैजनाथ। उसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियों का धातु पौष्टिक चूर्ण मिल जाएगा, तो आप इनमें से किसी को भी ले सकते हैं। देखो, इसका जो पैकेजिंग है वो 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का है, जिसकी प्राइस जो है 250 रुपया है। जो इसकी प्राइस है, टाइम के हिसाब से बढ़ती घटती रहती है। फिलहाल अभी 250 रुपया चल रही है, जो कि डाबर धातु पौष्टिक चूर्ण है। आपको 250 रुपये में 100 ग्राम मिल जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें इसके जड़ी बूटियों के बारे में या इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए या पुरुषों के शरीर के लिए एकदम लाभकारक हैं। इसमें जो जड़ी बूटी डाली गई है, अश्वगंधा है, निषोध है, सफेद मुसली है, काली मुसली है, सौठ है, काली मिर्च है और लाल मिर्च है, काली मुसली है। बहुत सारे इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारक होते हैं। और ये जो जड़ी बूटियां डाली गई हैं, इससे साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। तो आप बात कर लेते हैं इसके यूज के बारे में। तो इसका जो यूज है, तो जिन लोगों को नाइट फॉल की प्रॉब्लम है, सपन दोष की प्रॉब्लम है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा जिनको धातु गिर जाता है, वीड बाहर आ जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा आपका स्टेमिना को इम्प्रूव करेगा। अगर आपका स्टेमिना मजबूत रहेगा, तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा रहेगा। आप हमेशा एनर्जेटिक फील करेंगे। तो जो लोग को थकान, बार बार थकान लग जाती है, पूरा बदन दर्द करता है, लो फील करते हैं, कमजोरी रहती है, उनमें भी इसका यूज किया जाता है। और ये जो धातु पौष्टिक चूर्ण है, स्पेशली पुरुषों के लिए बनाया गया है, तो ये इसका यूज जो है पुरुषों के लिए ही करें। दोस्तों, अगर बात करें इसके डोज के बारे में, तो इसका जो डोज है, ये आपको 100 ग्राम के पैकेजिंग में आएगा। तो आप इसका सुबह लेना है और शाम लेना है। दूध के साथ आप लें इसको, जो कि बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा। आपको 3 से 5 ग्राम जो पाउडर है, आपको मिक्स कर लेना है दूध में, उसके बाद आपको पी लेना है, सुबह और शाम दो टाइम। कम से कम आपकी ड्यूरेशन की बात करूं, तो कम से कम आप इसको 2 से 3 महीने तक यूज करें। मैं हर वीडियो में बोलता हूं, जो आयुर्वेदिक दवा होती है, थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन आपको रिजल्ट प्रॉपर देगी, आपकी बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। तो इसका भी सेम है, 2 से 3 महीना यूज करें, आपको जितनी भी प्रॉब्लम है वो सब दूर हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इसके ना के बराबर साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां डाली गई हैं, तो उससे साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको एलर्जी है या ओवरडोज ले लोगे, तो आपका पूरा बदन में चकते पड़ जाएंगे, आपके पेट में गैस बनाने लगेगा, पेट अपसेट होगा, डायरिया, डिसेंट्री टाइप हो जाएगा, ये सब साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें सेफ्टी की, तो जो प्रेग्नेंट महिला है, लैक्टेटिंग मदर है, या जिसको सीवियर बीमारी है, जैसे हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर है, या और सीवियर बीमारी है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें। छोटे बच्चे की जो 18 साल से कम है, उनको भी नहीं लेना है। तो इसको जब भी लें, अपने डॉक्टर की सलाह से लें और अपने से बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों, ये आपको इजीली आपके नजदीकी मेडिकल पर मिल जाएगा। अगर वहां पे नहीं मिल रहा है, तो आप इसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी धातु पौष्टिक चूर्ण के बारे में। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।